हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट राहुल। आप देख रहे हैं कारमैन इंडिया। एंड जैसा कि मेरा आप लोगों से हमेशा प्रॉमिस रहता है कि आपको जो कंटेंट हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा वो हर बार ही कुछ ना कुछ डिफरेंट रहने वाला है। सो आज जो कार मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, दिस इज द इंडियाज फर्स्ट फॉर्च्यूनर जिया स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं काफ़ी एक हाई एंड ऑडियो अपग्रेड। अब ये जो पर्टिकुलर कार है, दिस बिलोंग्स टू वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। एंड उन्होंने जब ये कार परचेज करी, दिस कार कॉस्ट समवेयर अराउंड 60-61 लाख रुपीस ऑन रोड इन दिल्ली। तो उन्होंने जब कार परचेज करी तो उनकी भी कार से सर्टेन एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को काफ़ी प्रीमियम इसके अंदर इंटीरियर्स मिलेंगे, पावरफुल इंजन मिलेगा, हाई एंड ऑडियो मिलेगा, काफ़ी एक्सपेक्टेशन उनकी इस कार से थी। बट सैडली उन्होंने जब ये कार परचेज करी एंड इसका फैक्ट्री फिटेड ऑडियो सुना, ही वॉज सो वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि लाइक अदर फॉर्च्यूनर्स इस कार के अंदर जो फैक्ट्री फिटेड ऑडियो आते हैं वो स्टैंडर्ड टिपिकल पेपर कॉन स्पीकर आते हैं। एंड जब कस्टमर इतना हैवी अमाउंट अपनी कार के ऊपर स्पेंड करते हैं तो डेफिनेटली उनकी एक्सपेक्टेशन अपनी कार को लेकर काफ़ी हाई रहती है। तो उन्होंने सोचा कि इस कार के अंदर प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड तो करवाना ही पड़ेगा। एंड वेन इट कम्स टू प्रीमियम कार ऑडियो, कारमैन इंडिया इज द सेकेंड नेम फॉर इट एज यू ऑल नो। एंड उन्होंने हमारी वीडियोस देखी, उनको हमारा काम इतना अच्छा लगा कि वो स्पेशली गुरुग्राम से हमारे पास ट्रैवल करके आए हैं एक ऑडियो अपग्रेड के लिए। एंड इस कार के अंदर हम किसी भी चीज़ की कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। ऑडियो अपग्रेड जो होने वाला है वो नेक्स्ट लेवल, काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि इस कार के अंदर जो हम ब्रांड यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ गोना बी JL ऑडियो, कंप्लीट JL ऑडियो सेटअप रहने वाला है। एंड उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि JL ऑडियो की जो सबसे टॉप एंड सीरीज़ आती है, जो ग्लोबली नंबर वन है, वही इस कार के अंदर इंस्टॉल होने जा रही है। एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल करने वाले हैं, दिस इज़ द इक्विपमेंट, कंप्लीट JL ऑडियो। जनरली आपने हमारी जो वीडियोज़ में देखा होगा दैट वी इंस्टॉल C2, C3, C5 द प्रीमियम स्पीकर्स, बट इस कार के अंदर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं दैट इज गोना बी द फ्लैगशिप मॉडल बाय JL ऑडियो, विच इज द C7 एक्टिव कंपोनेंट स्पीकर्स। टोटल ये 3-way एक्टिव हमारा कंपोनेंट स्पीकर है जो हम इस कार में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। दिस इज द मिड बेस ड्राइवर, दिस इज द मिड रेंज एंड दिस इज द ट्वीटर। पैकेजिंग देख के आपको लग रहा होगा काफ़ी बेसिक सी पैकेजिंग इसकी है, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट हमें इसके अंदर मिलता है दैट इज टोटली ऑन एन अनदर लेवल। एंड इस सब को जो हम एम्पलीफाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, फ्रंट पे हम करने जा रहे हैं 3-way सेटअप, रियर पे 2-way सेटअप। सो जो एम्पलीफायर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं इसके अंदर, विच इज़ अगेन गोना बी JL ऑडियो टॉप एंड XG सीरीज एम्पलीफायर्स, जिसमें एक XG 4 चैनल एम्पलीफायर हमारा इंस्टॉल किया जा रहा है, एक XG 6 चैनल एम्पलीफायर इंस्टॉल किया जा रहा है। सो एम्पलीफायर्स के अंदर हमने किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी। जो DSP हम इस कार के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ अगेन गोना बी बाय JL ऑडियो प्रो सीरीज ट्विक 88 8 चैनल DSP। एंड यहाँ तक कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया दैट कंप्लीट JL ऑडियो सेटअप रहने वाले, तो यहाँ तक कि जो हम लाइन आउट कन्वर्टर भी इस कार के अंदर यूज़ करेंगे दैट इज ऑल्सो गोना बी बाय JL ऑडियो। जब हमने इतना सारा सेटअप कार के अंदर लगा दिया, सो फॉर द लो फ्रिक्वेंसी बेस, इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये थी, कहते मुझे कार के अंदर बहुत ज़्यादा कोई बूमिंग बेस उनको नहीं रिक्वायरमेंट थी। सो इस कार के अंदर भी इंस्टॉलिंग अ फ्लैट बेड सब वूफर बाय JL ऑडियो, विच इज़ द एक्टिव सब वूफर, जिसकी इंस्टॉलेशन मैं वेरी सून आप सबको चल के दिखाऊंगा। तो अब ये तो सारे के सारे हो गए हमारे प्रोडक्ट्स, अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ इसकी इंस्टॉलेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज़ द DSP एंड द लाइन आउट कन्वर्टर्स, सो उसकी इंस्टॉलेशन आप देखेंगे हमने की है ड्राइवर सीट के नीचे। अभी इसका हम कह सकते हैं दैट वर्क इज़ इन प्रोग्रेस राइट नाउ, बट स्टिल आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारी प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही के साथ अगर मैं बात करूँ इसके जो 3-way स्पीकर्स मैंने आपको बताए थे, विच इज़ द JL ऑडियो C7, तो C7 का जैसे कि आप देख सकते हैं जो ट्विटर हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है, जो कंपनी स्टॉक पोजीशन हमें प्रोवाइड करती है वहीं पे ट्विटर को इंस्टॉल किया गया। एंड कहीं ना कहीं यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द ट्विटर ऑफ द C7 लुक्स। साथ ही के साथ बात करें अगर हम इसके मिड बेस ड्राइवर एंड मिड रेंज की, सो दिस इज द मिड बेस ड्राइवर ऑफ द JL ऑडियो C7। एंड कहीं ना कहीं इसके बिल्ड देख के यू कैन फिगर आउट दैट कितना प्रीमियम मिड बेस ड्राइवर है। दिस इज अ टोटली पेटेंटेड डिज़ाइन एंड इज टोटली मेड इन USA। सो बिल्ड इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, एवरीथिंग इज गोना बी A+। ये हो गया इसका मिड बेस ड्राइवर एंड दिस इज द मिड रेंज। मिड रेंज में हमें 3 inches की इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है एंड इसको हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं फ्रंट डैशबोर्ड में, जिसकी इंस्टॉलेशन में वेरी सून आप लोगों को दिखाऊंगा। दिस इज ऑल्सो मेड इन USA। अब अगर मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन दिखाऊं, सो दिस इज द मिड बेस ड्राइवर जो आप देखेंगे हमने रियर वाले डोर में ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक जो प्रोफेशनल वे ऑफ इंस्टॉलेशन है यूजिंग अ स्पेसर एंड अ वाटर गार्ड, वेरी नीटली मिड बेस ड्राइवर को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द हाई एंड ऑडियो अपग्रेड्स आर द साउंड प्रूफिंग। सो साउंड प्रूफिंग हमने इस कार के अंदर जो कैरी आउट किए, दिस इज STP गोल्ड सीरीज, सो दैट हमारी जितनी भी अनवांटेड वाइब्रेशन एंड नोड नॉइज होती है वो कार के अंदर कभी भी एंटर नहीं होनी चाहिए। एंड ओवरऑल जो ऑडियो लिस्टिंग एक्सपीरियंस हमें कार के अंदर मिलना चाहिए दैट शुड बी टोटली लॉसलेस।
तो स्पीकर्स एंड डीएसपी के इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ। नो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके एम्पलीफायर्स हमने कैसे इंस्टॉल करें अलॉन्ग विद द बिल्ट इन स्पीकर्स। सो फाइनली इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं आपको चल के दिखाना चाहूंगा दैट फ्रंट पे जो अपने 3-way C7 इसके अंदर इंस्टॉल करें उसकी इंस्टॉलेशन कितनी नीट एंड क्लीन कैरी आउट की गई है। तो जो हमारा मिड बेस ड्राइवर है उसको तो अभी स्टॉक पोजीशन भी लगाया गया है जिसकी इंस्टॉलेशन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। साथ में हमने इंस्टॉल करा इसका ट्विटर, जो स्टॉक पोजीशन हमें कंपनी प्रोवाइड करती है वहीं पे हमने इसकी ट्विटर को इंस्टॉल किया है एंड यू कैन सी कितना ब्यूटीफुली ट्विटर हमें लग रहा है आफ्टर द इंस्टॉलेशन। यही बात करें मिड रेंज की तो जैसे कंपनी टोयोटा अपनी ओल्डर मॉडल ऑफ फॉर्च्यूनर्स के अंदर JBL की मिड रेंज हमें डैशबोर्ड पर प्रोवाइड करती थी, सेम वे हमने यहाँ पे JL ऑडियो C7 की मिड रेंज को इंस्टॉल किया है। इसकी अगेन आप देख सकते हैं दिस इज अ प्रॉपर 00 फिटिंग, किसी भी तरह का कोई गैप आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा एंड ओवरऑल इसका जो साउंड रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। अब अगर हम आ जाए रियर में जैसा कि हमने आपको मैंने बताया था इसके अंदर हमने एम्पलीफायर्स इंस्टॉल करें, सो एम्पलीफायर्स की इंस्टॉलेशन भी आपके सामने है। जो हमने 2 एम्पलीफायर्स इसके अंदर इंस्टॉल करें, द 6-channel एम्पलीफायर एंड द 4-channel एम्पलीफायर, दोनों की इंस्टॉलेशन आपके सामने है। जितनी भी वायरिंग है सबकी प्रॉपर यहाँ पे जैकेटिंग कैरी आउट की गई है ताकि किसी भी वायर का कोई शॉर्ट होने का चांस ना हो एंड जितनी भी वायरिंग है दिस इज ऑल 100% OFC वायरिंग विच मीन्स 100% कॉपर। सो दिस विल मेक श्योर कि हमारा जो ऑडियो का ट्रांसमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉसलेस इन नेचर रहता है एंड ओवरऑल कभी हमें कोई कंप्लेंट उसके अंदर नहीं आती। एंड जो RC केबल भी हमने इंस्टॉल की है, पावर केबल इंस्टॉल की है, जितनी भी वायरिंग है दिस इज ऑल ब्रांडेड केबल्स बाय मॉन्स्टर। सो अगेन क्वालिटी के अंदर किसी भी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे कैरी आउट नहीं किया गया। एंड यही अगर हम बात करें इसके रियर वाले ट्विटर्स की, सो रियर वाले ट्विटर्स को भी जैसा कि आप लोग देखेंगे काफ़ी नीटली फ्लश माउंट करके इंस्टॉल किया गया है एंड यहाँ पे भी आपको कोई गैपिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, वेरी वेरी प्रोफेशनल फिटमेंट। अब अगर हम आ जाते हैं इसके बूट में मैंने हमने बताया था इंस्टॉल करने जा रहे हैं JL ऑडियो का एक्टिव फ्लैट बेड सबवूफर, सो उसकी इंस्टॉलेशन भी आपके सामने है। आप देखेंगे बिल्कुल एक स्लिम सा बॉक्स है एंड दिस इज अ स्लिम वूफर जिसने हमारे बूट का बिल्कुल एक कॉर्नर ऑक्यूपाई कर लिया एंड इसका जो बेस रिस्पॉन्स है वो इन केबिन लिसनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिच है। बहुत ज़्यादा बूमिंग बेस इस वूफर का नहीं है एंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, उनकी रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसी थी, वो कहते हैं मुझे कार के अंदर एक सूदिंग सा बेस चाहिए। तो अब ये तो हमारी होगी सारी की सारी इक्विपमेंट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कार के अंदर दैट इज़ नॉट द ट्यूनिंग बट RTA ट्यूनिंग एंड RTA ट्यूनिंग जब तक इस सेटअप के अंदर हम नहीं कैरी आउट करेंगे तब तक ये सेटअप काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट है। तो अब चलते हैं कार के अंदर एंड आपको चल के मैं मिलवाता हूँ उस आर्टिस्ट से जो कि RTA ट्यूनिंग हमारी कार के अंदर कैरी आउट करते हैं। सो आर्ट तो आप देख ही चुके हैं, अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा उस आर्टिस्ट से जो कि सारी की सारी जितनी भी हम हाई एंड ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको राइटली कॉन्फ़िगर करना अवर कार ऑडियो एक्सपर्ट मिस्टर सचिन, जो कि सारे के पीछे वो काफ़ी अच्छे से उसको ट्यून अप करते हैं। सो सचिन जी, जैसा कि मैं देखता हूँ कि मार्केट में लोग जब ट्यूनिंग करते हैं कार के अंदर तो उनका सिंपल सा तरीका क्या होता है, एम्पलीफायर लगाए और एक पेचकस लेके शुरू हो जाते हैं और उसी से वो कहते हैं हमारी ट्यूनिंग हो गई। बट आप यहाँ पे प्रॉपर माइक लगा के ट्यूनिंग कर रहे हो, RTA ट्यूनिंग। सो थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को बताओ कि हम जो ये पर्टिकुलर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने रूटीन के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंड कोई टिपिकल पेचकस ट्यूनिंग से क्या फर्क है इस ट्यूनिंग के अंदर? देखो राहुल, पता है क्या, पेचकस वाला सिस्टम तो इज़ लाइक अ वेरी ओल्ड स्कूल फैशन। और हाँ, आज मैं किसी एरिया का नाम तो नहीं लूँगा बट हाँ, जितने भी आज हमारे ऐसे इंस्टॉलर हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर हाईली क्वालिफाइड नहीं है तो उनको आज भी वही समझ आता है, एम्पलीफायर लगाया, चार तारे स्पीकरों की जोड़ी, पेचकस लिया और उसके गेन लेवल को प्लस माइनस करके बोल दिया कि ट्यूनिंग हो गया। अब देखो, ट्यूनिंग तो नहीं बोलेंगे उसको हम, ये तो एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है या रादर बेसिक SOP होता है कि आप एक एम्पलीफायर लगाते हो तो आप स्पीकर का गेन सेट करते हो। लेकिन अब स्पीकर का गेन सेट करना ही सब कुछ नहीं होता। जब आप कोई भी हाई एंड स्पीकर लगाते हो, प्रीमियम ऑडियो लगाते हो, तो कहीं ना कहीं उस स्पीकर में से उसकी एक्चुअल वर्थ तब आपके कानों तक पहुंचती है जब आप उस पर रियल टाइम एनालाइजेशन करते हो थ्रू RTA इक्विपमेंट्स। नाउ दिस माइक इज वन ऑफ द RTA इक्विपमेंट जिसके थ्रू हम लोग एक कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं कि भाई इस माइक पे किस स्पीकर की कौन सी फ्रिक्वेंसी आ रही है, कौन सी फ्रिक्वेंसी सरप्लस आ रही है जिसे हमें कट डाउन करना है और कौन सी वीक आ रही है जिसे हमें ऐड करना है। तो अब वो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल डन थ्रू वेरियस एजुकेशन लेवल्स। अब ठीक है, आज मैंने भी 4 कंट्रीज में जाके कोर्सेज करे हुए हैं तो आई वेरी वेल नो हाउ टू ट्यून अप अ सिस्टम प्रोफेशनली स्पेशली। अब इस प्रोफेशनल ट्यूनिंग को जब तक मैं
कस्टमर्स के लिए प्रीमियम ऑडियो सेटअप पे यू नो उसको अप्लाई नहीं करूंगा तो मेरा भी इतना होमवर्क करने का कोई फायदा नहीं. सो वी मेक श्योर कि कस्टमर जो यहाँ से जाए चाहे 50,000 का स्पीकर लेके जाए तो वो ऐसा बजे जैसा 1,00,000 रुपए का स्पीकर बचता है, और अगर वो 2,00,000 का स्पीकर लेके जाए तो ऐसा बजे जैसे 5,00,000 का बचता है. अब वो तभी हो सकता है जब हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या अपने एक्सपीरियंस से या अपनी एजुकेशन से एक फाइनेस्ट और फाइनेस्ट ट्यूनिंग कर सके जो कि हम करते हैं. डेफिनेटली, एंड वो ट्यूनिंग इस कार के अंदर हम काफी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं. सो जैसे अब जो फर्दर हमारी लास्ट की फाइन ट्यूनिंग है उसको भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं, एंड उसके बाद आप सबको सुनाते हैं पूरे ऑडियो सेटअप का एक मैजिकल आउटपुट कि कितना अमेजिंग आज हमारा सेटअप है. साउंड जैसा कि आपने अभी एक्सपीरियंस किया कि इस कार का जो साउंड आउटपुट है दैट इज टोटली मैजिकल इन नेचर. लाइक आई कैन अंडरस्टैंड यू बीइंग द ऑडियंस, आपने जो भी आप हमारी वीडियोस देखते हैं यू वॉच इट थ्रू अ फोन, एंड एक पर्टिकुलर जिस माइक्रोफोन से हम अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं वो एक सर्टेन लेवल तक एक जस्टिस कर सकता है ऑडियो को. बट लेट मी टेल यू, इस कार के अंदर जो हमने ऑडियो सेटअप करा है, लाइक मैं भी आपको इतने टाइम से अपने चैनल पे आपको तरह तरह के ऑडियो ग्रिड्स दिखा चुका हूँ, बी एट द लो एंड वंस, बी एट द मिड सेगमेंट और हाई एंड वंस, बट ये वाला पर्टिकुलर ऑडियो ग्रिड जो हमने इस कार के अंदर करा है दिस हैज सिंपली ब्लोन मी अवे. लाइक इसका जो आउटपुट है, इसकी जो क्लैरिटी है, जो साउंड के अंदर हमें डिटेलिंग एक्सपीरियंस करने को मिल रही है वो इस कार के अंदर बैठ के ही एक बंदा एक्सपीरियंस कर सकता है. एक हमारे माइक्रोफोन उतना जस्टिस इस ऑडियो को नहीं कर सकता, एंड इस टाइप के रिजल्ट अचीव करने के लिए हमारे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स जाते हैं. लाइक आई वॉन्ट से कि सबको ऐसा लगता है, बट कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि कार के अंदर ऑडियो सिस्टम लगाना है उसके अंदर इतनी बिग डील क्या है, स्पीकर्स लगाओ, एम्प लगाओ, वूफर लगाओ, सब कुछ कनेक्ट करो एंड साउंड बन जाएगी. बट दैट इज नेवर द केस. अच्छा ऑडियो इक्विपमेंट लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट उसमें प्रोफेशनली एंड तरीके से इंस्टॉलेशन करना है. अगर मैं एक अच्छे से अच्छा ऑडियो इक्विपमेंट भी ले लूँ और उसकी इंस्टॉलेशन एंड ट्यूनिंग में प्रोफेशनली ना करूँ सो इट विल लिटरली साउंड लाइक स्क्रैप. सो जब भी हम एक अच्छा ऑडियो इक्विपमेंट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको राइट वे में इंस्टॉल किया जाए, उसके कनेक्शंस राइट वे में कैरी आउट किए जाएं, जितनी भी हम वायरिंग एंड केबलिंग यूज़ करते हैं वो हमारी प्रोफेशनल होनी चाहिए, एंड टू टॉप इट ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज़ द ट्यूनिंग. अब इस कार के अंदर भी हमने कोई स्टैंडर्ड ट्यूनिंग नहीं करी, दिस वॉज प्रॉपर RTA ट्यूनिंग. एंड जब हम RTA ट्यूनिंग एक कार के अंदर करते हैं सो वी ऑलवेज एनालाइज कि हमें साउंड कैसे एक्सपीरियंस करनी है, कैसा उसका सिग्नेचर चाहिए, एंड उस हिसाब से वी डिज़ाइन द साउंड इन सच अ वे कि हमें उसकी जो डिटेलिंग एक्सपीरियंस करने को मिलनी चाहिए दैट शुड बी टोटली अनमैच्ड. एंड इन कस्टमर की भी यही रिक्वायरमेंट थी जब वो हमारे पास आए, ही इज़ वन ऑफ आर सब्सक्राइबर्स, सो ही वॉज लाइक मैंने आपकी सारी वीडियोज़ देखी है बट मेरे को जो ऑडियो सेगमेंट अपनी कार के अंदर चाहिए, ऑडियो सेटअप, वो टोटली अनदर लेवल चाहिए, ऐसा जो कि आज तक अभी किसी ने ना सुना हो. सो वी ट्राइड आर बेस्ट उनको बेस्ट डिलीवर करने के लिए, एंड जब उन्होंने फाइनली ये वाला ऑडियो आउटपुट सुना ही वॉज लाइक बॉस मज़ा आ गया आपके पास आके. सो दिस इज़ वॉट अल्टीमेटली वी लिव फॉर. एंड अगर आप सब भी अपनी कार के अंदर ऐसा ही एक प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड प्लान कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह के आपकी कोई एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट है
इन दैट केस यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस. जो शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद द गूगल मैप्स लिंक, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं. उसी के साथ साथ इफ यू वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड विद अवर डेली अपडेट्स देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. जो इंस्टाग्राम पेज का यूजर हैंडल है वो नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, सो यू कैन गो एंड फॉलो अस देयर. ऑल्सो इफ यू गाइज हैव एनी फीडबैक रिलेटेड टू आवर वर्क यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट्स बॉक्स बिलो बिकॉज योर फीडबैक इज रियली वेरी वैल्यूएबल टू अस. दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड फॉर ऑल द अपकमिंग फ्यूचर वीडियोज. दिस इज मी राहुल साइनिंग ऑफ फॉर द डे. Thank you.